मातम होता है, मगर क्या कभी आपने सुना है कि मौत का मजाक भी उड़ाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। जी हां, एक मामला जो सवाल खड़ा करता है इंसानियत पर, जिसका कत्ल हुआ रुद्रप्रयाग में, आरोप बेहद संगीन है, मामला हैरान करने वाला है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में क्या ऐसा भी हो सकता है जहां मॉर्चरी में आए शव के पोस्टमार्टम के लिए पहले शराब की डिमांड होती है और फिर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों का शव दिया जाता है। क्या सुनकर आप भी हैरान हो गए ना? जी, मामला ही ऐसा है जहां मॉर्चरी में इंसानियत का कत्ल का इल्जाम है। मामला रुद्रप्रयाग का है, जहां रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में सड़क दुर्घटना में मारे गए दो युवकों के शव मॉर्चरी लाए जाते हैं और यहीं से शुरू होता है मौत का मजाक बनाने का खेल। आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने शवों का पोस्टमार्टम करने से पहले परिजनों से शराब की डिमांड की और उसके बाद मॉर्चरी में शराब पीकर मौत का मजाक बनाया। आरोप संगीन थे, लिहाजा हमारे संवाददाता ने इस बाबत अस्पताल प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश भी की, मगर इस मुद्दे पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। आपको बता दें कि मामला 10 सितंबर का बताया जा रहा है, जब कोर्ट के भटवाड़ी रोड पर एक ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई थी, जिसमें ही दो लोगों की जान चली गई। तो ऐसे में सवाल कि क्या परिजनों के आरोपों की जांच होगी? अगर वाकई में इस मामले में रत्ती भर भी सच्चाई है तो क्या इंसानियत का कत्ल नहीं है? मैं अभी जनपद रुद्रप्रयाग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खड़ा हूँ और मैं यहाँ रात से अपने दोस्त के एक परिजन जो एक्सपायर हुए कल एक दुर्घटना में, ट्रक में दुर्घटना हुई थी उनकी, तो उस मामले में मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं कल रात से देख रहा हूँ इस चीज़ों को, गतिविधियों को और हॉस्पिटल की दशा को। और जो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है रुद्रप्रयाग, मैं कल आज सुबह से यहाँ देख रहा हूँ, तो कल 7-8 बजे की बॉडी आई हुई और आज शाम को 4 बज चुके और अभी तक बॉडी मिली नहीं है। ऐसे नहीं खड़ा हूँ मैं, कल रात 8 बजे आ गया था यहाँ, 8 बजे से डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई था, लेकिन अभी तक पीएम नहीं हुआ डेड बॉडी, डेड बॉडी में बदबू आ चुकी है। मैंने जब मैं वहाँ गया तो मैंने दरवाजा खटखटाया मॉर्चरी का, तो उन्होंने मुझे गाली देके बात की, शराब भार रखी थी यहाँ पोस्टमार्टम में, तो गेट के बाहर ही शराब रखी थी उन्होंने। भांजे के लिए आ रखा हूँ जिनकी डेड बॉडी आ रखी है और दुर्घटना दर्श हो गई है रास्ते में, जो गाड़ी का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई है जिसके कारण दोनों की डेड बॉडी मिलने के लिए देर हो रही है। यहाँ पे जो पोस्टमार्टम के लिए रुके हैं हम सुबह से, यहाँ से अभी 5 बजने वाली है, अभी तक हमें डेड बॉडी की प्राप्ति नहीं हुई है, उसके लिए भी बावजूद करें कि टाइम लगेगा। और बाकी हमने सारा कुछ जो भी है जो पोस्टमार्टम के लिए जो भी बनता है, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाला जो ड्रिंक के लिए उन्हें बोतल चाहिए पर्चा चाहिए, वो सारा कर दिया है, लेकिन तभी भरपूर हमें अभी तक कोई संस्कृति नहीं है कि हमें क्या हो सकता है, क्या चाहिए, गरीब आदमी है कहाँ से क्या करेगा। तो रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल का एक पूरा मामला है जहां पर इंसानियत पूरी तरीके से शर्मसार हुई है। मॉर्चरी में शवों का पोस्टमार्टम करने से पहले शराब की डिमांड की गई है और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी भगवान सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ कुछ समाज सेवी भी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका मैं रुख करूंगी। और आखिरकार यहाँ पर पूरा मामला हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है और उस पर क्या कुछ एक्शन लिया गया है। भगवान सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। भगवान सिंह, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, मामला क्या है, कितने दिन पहले का है और अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट आया है? जिन लोगों ने डिमांड की थी, जो कर्मचारी बताए जा रहे हैं, उन पर क्या कुछ एक्शन लिया गया है? बिल्कुल काजोल, आपकी बात सही है, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर ना किसी की मौत होती है और मौत में पोस्टमार्टम के लिए अगर ना वहाँ के प्रशासन या डॉक्टर लोग अगर ना शराब मांगे जा रहे हैं, तो दुर्भाग्य है। इस देवभूमि में अगर ना हमारे इस तरह से अगर ना एक अंतिम संस्कार के लिए अगर ना उसके परिवार को उसकी शरीर अगर ना टाइम से नहीं मिल पाया, तो बड़ा दुखद खबर है। और ये खबर 10 तारीख की घटना है और 10 तारीख की शाम की बात है। मैं आपको बता दूँ, जो पुलिस प्रशासन के नियम अनुसार से मेरे पास जो इसकी जानकारी आई है, तो ये पुलिस के अनुसार से मेरे पास जो आई है 5:19 पे, ये तो 10 तारीख की खबर है। और रात के 8 बजे से लेके वहां पे जैसे ही रात को डेड बॉडी वहां पे मॉर्चरी में पहुंची है, मॉर्चरी भी मैंने कहूंगा एक डेड बॉडी तो ऐसी पड़ी थी कि जो जहां पे आम जनता लोगों को जाने का रास्ता ऊपर डॉक्टरों के पास होता है, वहीं पे मॉर्चरी के नीचे डेड बॉडी रखी गई थी। कि हालांकि बड़ा दुख होता है कि कभी भी मौत के बाद अगर ना किसी परिवार के साथ इस तरह के दुर्भाग्य की बात करें और इस तरह के सामान्य
जो देवभूमि आती है, और रुद्रप्रयाग जिला एक ऐसा जिला है जिससे चारों धाम तीनों धामों के लिए हम जा सकते हैं। कहीं ना कहीं एक तरफ से इस तरह में जब इस संबंध में मैंने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत उनसे बात की तो उन्होंने फोन पिक नहीं किया। उनके पीआरओ मेरे ढोंडियाल जी से बात हुई तो उनका कहना है मैं इस संबंध में बात करता हूँ। उसके बाद बड़ी गजब की बात है जो वहाँ के अधिकारी है वो मैं उनको ये कहूँगा सिंगम, वो सिंगम की तरह कुर्सी पे इस तरह बैठे हुए थे कि किसी की तो मौत पड़ी है वहां पे। वो बेचारे कुर्सी में ऐसे टांग फैला के बैठे पड़े थे कि शायद बड़ा उनकी उनको चेहरे से ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि किसी का परिवार से जवान बेटा गया है, एक दो दो परिवार के एक एक जवान जवान बेटे गए हैं एक्सटेंड में। तो वहां पे अधिकारी का जो रवैया है वो रवैया मुझे बिल्कुल। इसके अलावा भगवान सिंह सवाल ये भी है कि जिला अस्पताल के मॉर्चरी वार्ड में ये सब हो रहा है लेकिन अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं, कोई एक्शन इस पर नहीं लिया गया है। आखिरकार ये खेल जो मजाक का हो रहा है क्यों हो रहा है, इस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कुछ समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। और सर सवाल ये है कि पहले तो एक्सीडेंट होता है उसमें दो लोगों की जान चली जाती है, शव अस्पताल पहुंचते हैं जिला अस्पताल मौर्शी में रखे जाते हैं लेकिन वहां पर उनका पोस्टमार्टम नहीं होता, परिवार मिन्नतें मांगता रहता है कि अंतिम संस्कार सूरज ढलने से पहले करना है लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती क्योंकि वहां तो शराब बीच में आ गई है। ये कैसे इंसानियत सर? सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। श्रीकांत जी अपनी आवाज ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने इतने बड़े आज के समय पे इस मुद्दे को उठाने की जो बात की आपके चैनल ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और ये वाकई में बहुत गंभीर विषय इस समय बन चुका है पूरे उत्तराखंड के लिए। बिल्कुल। कि ये स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए मैं लगातार मेरे सामने दो केस आ चुके हैं, एक रुद्रप्रयाग वाला, मैं रुद्रप्रयाग वाले में खुद शामिल था, खुद वहां पे मौजूद था, और उसके बाद मैं अभी कल का ही मेरा एक बेस हॉस्पिटल श्रीनगर का भी एक वीडियो वायरल होने वाला है, शायद पत्रकार महोदय वहां भी पहुंचे थे। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो चुका है हम लोगों का कि हमारे प्रशासन का, हमारे मंत्रियों का, कि किस तरीके से इन्होंने अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठप करके रखा हुआ है। रुद्रप्रयाग में मैं अपने मित्र के साथ वहां पे गया था, जो एक अनिल कुमार की जो डेथ हुई थी उनके जो मित्र उनके परिजन थे उनके साथ मैं यहाँ से गया था। तो मैं रात को 8 बजे से लगभग रात को 8 बजे से मैं वहां मौजूद था, शाम को जब डेड बॉडी मॉर्चुरी में पहुंची थी मैं वहां मौजूद था। उसके बाद जब शाम जब सुबह फिर उसके पोस्टमार्टम की जो बात आई, फिर उसके बाद उसके पंचनामे की बात आई, पंचनामा होने के बाद पूरी प्रक्रिया होने के, तो वो चलते चलते वो शाम को लगभग 4:30 बज चुकी थी। ये जो मुद्दा उठा ये बहुत ही देर में उठने का काम हुआ। पहले तक जो परिजन थे दोनों परिवारों के डेड बॉडियों के वो अपना सब्र से अपनी बॉडी को लेना चाह रहे थे, पर जब ये बहुत देर हो चुकी, जब पता चला कि जो हमारे वहाँ पे के जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं या उनके साथ ही कर्मचारी हैं, वो अपना पीने में और इंजॉय करने में मगन है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि परिजन परेशान हो रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि लोग परेशान हैं या कोई परेशान है या किसी के घर में कोई डेथ हुई। कुछ दिन पहले उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई। देखिए एक तरफ जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जा रही है, दूसरी तरफ जब अस्पताल में आप जाते हैं तो किसी की जान चली गई है तो भी आपको शराब चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब तक होगी? सबसे बड़ा सवाल ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी? अधिकारी क्यों नहीं जाग रहे हैं, क्यों अभी तक मौन बैठे हैं? हमारे सहयोगी भगवान सिंह ग्राउंड जीरो पर थे, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन अधिकारी मौन बैठे हैं, कोई भी ये कह ले कि कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। बिल्कुल मैम, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं धन्यवाद इसीलिए करना चाहूँ कि आपके चैनल ने इस आवाज को उठाने का काम किया है, वरना ऐसा लगता है कि जो आज के टाइम पे जो चैनल है, जो न्यूज है, ये लगातार या तो ऐसे मुद्दों को उठाने का कोई भी काम नहीं करते हैं। आपने पहली बार पहल करी है इस चीज की, मैं धन्यवाद करूंगा भगवान सिंह जी का कि आपने प्रॉपर उस घटना को पूरा अंजाम दिया और इस मुकाम तक पहुंचा पाए कि आज इस इन मुद्दों पे डिबेट हो रही है। ऐसे ऐसे लगातार कई हॉस्पिटलों में हरकतें हो चुकी हैं और ऐसी हरकतें चल रही हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है।
ये बहुत बड़ा समस्या, गंभीर समस्या हमारे हमारे जो रुद्रप्रयाग जिले का जो क्षेत्र है, बहुत दूर दूर से लोग वहां पे अपना इलाज कराने आते हैं, कि विश्वास से आते हैं, और वहां कोई मतलब नहीं है किसी डॉक्टर को, किसी परिजन को, कि उनके साथ कोई क्या दुर्घटना हो रही है, उनका डेड बॉडी। मेरा एक वीडियो भी वायरल हुआ होगा, देखा होगा आपने कि सीढ़ी के नीचे पे सुबह से लेके शाम तक वो डेड बॉडी वहीं की वहीं पड़ी हुई है, कोई नहीं, उसमें बदबू आने शुरू होने लगी। खास मैसेज आप क्या जनता को देना चाहेंगे, और ऐसे अस्पतालों को, ये तो जिला अस्पताल है, चलिए कोई प्राइवेट क्लिनिक होता, कोई झोला छाप डॉक्टर होता तो भी मामला समझ में आता, क्योंकि ऐसे मामले जो हैं वो प्राइवेट क्लिनिक या झोला छाप डॉक्टर की वजह से ही सामने आते रहते हैं, लेकिन जिला अस्पताल में अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो वाकई आप खोल देने वाला विषय है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं लगता है कि जो हमारी सरकार, जो जिनके पास स्वास्थ्य विभाग की कमान है माननीय धन सिंह रावत जी की, ये पूरी की पूरी उनकी गलतियां हैं, ये उनके काम करने का तरीके को जताता है कि ये इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, या तो उनका ध्यान जो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के युवाओं के साथ छल करने का काम चल रहा है, वो जिस ढंग से घोटालों पे उनके नाम आ रहे हैं अपने लोगों को लगाने का, उन्हें स्वास्थ्य विभाग से कोई मतलब नहीं है। मैं खुले मन से इस मन से बोलना चाहूंगा कि ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी धन सिंह रावत जी को निरीक्षण होना चाहिए, हर जिला अस्पतालों में निरीक्षण होना चाहिए। भोपाल सिंह चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं। भोपाल जी आप भी समाज सेवी हैं, एक और समाज सेवी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पिछले कुछ मिनट से। सवाल ये है कि समाज में जो कुछ हो रहा है वो आम लोगों को क्यों नहीं दिखाया जाता, और जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है व्यू, वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं, वो क्यों ऐसा चश्मा लगा के बैठे हैं जिस चश्मे से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। एक अस्पताल में जो कि जिला अस्पताल है, वहां पर शव आते हैं, शव रखे जाते हैं, परिजन इंतजार करते रहते हैं कि अंतिम संस्कार करना है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में शाम या सूरज ढलने के बाद अंतिम संस्कार की मनाही होती है, उसके बावजूद भी ये नहीं सुनते, अपनी मौज मस्ती में मग्न रहते हैं। इनकी शराब दारू पार्टी कहें ये चलती रहती है, डिमांड भी करते हैं कि आप पहले शराब ला के दीजिए तब जाके पोस्टमार्टम होगा। देखिए ये इन्होंने एक पैटर्न बना दिया मैडम, ये पहले से इन लोगों ने, आज से नहीं चला है ये, बहुत कई दिनों से, कई सालों से सब चीजें इन्होंने चली आ रही है ये। और आपका जो चैनल है ना, ये इसको मैं धन्यवाद दूंगा, पहली बार आपके इस चैनल ने इस चीज को उठाया और दिखाया है कम से कम। बाकी यहाँ के जो ऐसा मीडिया ऐसा हो गया है आजकल का कि वो दिखाता ही नहीं है, कोई दिखाता भी होगा कोई ले भी जाता होगा, ऊपर से वो समाचार चलता ही नहीं है। मैं आपको बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा और कि आपने इस समाज के सामने और इसको, ऐसी चीज को आपने हाईलाइट किया, दिखाया है। ये कई ऐसे लोग होते हैं, ऐसे गरीब लोग होते हैं जो इससे भी बदतर उन शवों की हालतें होती है, और दो दो तीन तीन दिन तक भी वहां वो शव पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, लेकिन उसका जब तक उनको पैसा नहीं देंगे तब तक ये लोग पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। डॉक्टरों को जब हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कल से खड़े हैं यहाँ पे, आप जरा हमारा ये हमारी जो शव है हमें दिलवा दीजिएगा। जिस तरह से इस खबर को हमने दिखाया है, उम्मीद है कि इस पर जल्द ही एक्शन लिया जाएगा, और जो आरोपी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनकी जवाबदेही होगी, आरोपियों को सजा जरूर मिलेगी। इसके साथ साथ जो परिवार है जो इंसाफ के लिए भटक रहा है उनको इंसाफ जरूर मिलेगा, और प्रशासन की आंखें जरूर खुलेंगी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रुद्रप्रयाग का एक पूरा मामला था जिला अस्पताल का, जहां पर महज सिर्फ इसलिए अंतिम संस्कार नहीं हो पाया क्योंकि मोर्चे में जो शव रखे हुए थे उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, क्योंकि वहां के जो कर्मी थे वो डिमांड शराब की कर रहे थे कि पहले शराब का भोग लगाइए उसके बाद ही यहां पर पोस्टमार्टम होगा। समाज को वाकई आईना दिखाने वाली ये खबर जरूर है, साथ ही साथ अधिकारियों को भी ये खबर आईना दिखा रही है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।